कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आप सभी के लिए गणित में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रखी थी, तो बहुत ही शानदार सवाल 27वां सवाल है, 1 + sin x / 1 + cos x / e की पावर x, इसका समाकलन आपको करना है। देखने में बहुत ही शानदार सवाल लग रहा है और ये आपका 2010 से लेकर अब तक लगातार किसी न किसी प्रश्न पत्र में ये सवाल देखने को मिलता है, तो बहुत ही शानदार सवाल है, इसको करते हैं। ठीक है, देखिएगा, हम ऐसे सवालों को सबसे पहले मैं आई मान ले रहा हूं, आई बराबर समाकलन 1 + sin x / 1 + cos x / e की पावर x / dx, कोई दिक्कत नहीं है, देखो घबराना नहीं है। आपको मैंने बताया था कि भैया 1 + cos x आता है तो 2 cos² x / 2 ये होता है इसका फॉर्मूला, और आपका 1 - cos x रहता है तो उसका 2 sin² ये होता है। दो फॉर्मूले हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, और एक sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x / 2 × cos x / 2, हमेशा इन तीन फॉर्मूलों को अपने दिमाग में मस्तिष्क में पेपर तक तो जरूर रखना। चलिएगा, तो i = हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 + इस साइन एक्स की जगह पर हम 2 sin² x / 2 × cos² x, क्या था फॉर्मूला, 2 sin x / 2 cos x / 2, sin x / 2 और cos x / 2 अपॉन नीचे 1 + cos x है तो 2 cos² x / 2, साथ में है ex / dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे 1 + ये वाला 1 था, तो इसको अलग अलग कर देंगे हम, तो i = समाकलन इसको 1 / 2 cos² x / 2 + देखिए मैं 1 के नीचे इसको ले दिया और इसको ले लूंगा मैं और इसको ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, 2 sin x / 2 और cos x / 2 / 2 cos² x / 2, ब्रैकेट के बाहर, ये केवल हमने इतना सॉल्व किया है, इसके बाहर ex है और dx है, ex और dx ये जो कहते हैं, ओके। अब देखिएगा इससे ये कट जाएगा और cos x बटे 2 से स्क्वायर कट जाएगा, तो i = समाकलन ब्रैकेट, और देखिएगा ये 1/2 अलग है और 1 / cos² θ क्या होता है, sec² θ, तो ये क्या हो जाएगा, sec² x / 2 हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका sin x / 2 बचेगा, 2 से 2 कट चुका है, cos x / 2 से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर केवल इतना बचेगा, cos x / 2 बचेगा, साथ में e की पावर x / dx ये बचेगा। अब sin / cos क्या हो जाएगा, आपका tan हो जाएगा, तो i = समाकलन ब्रैकेट 1/2 sec² x / 2 + ये कितना हो जाएगा, tan x / 2 ब्रैकेट e की पावर x / dx ये हो जाएगा। अब e की पावर dx के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से समाकलन की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i = समाकलन 1/2 sec² x / 2 × dx हो जाएगा, ठीक है, और इसको करेंगे फिर प्लस समाकलन, ये हो जाएगा आपका tan x / 2 tan x / 2 × ex हो जाएगा, साथ में dx, और ये वाला, ये ex की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और ex की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसलिए मैं यहां पर भी तो ex की मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए बात समझो पहले आपको, देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं आपको, पहले ex की मल्टीप्लाई कर दो इसमें और इसमें, ये कितना हो जाएगा 1/2 ex और sec² x / 2, ex की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ex की इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस ex × tan x / 2 ये हो जाएगा, साथ में dx आ जाएगा। ये अपने आप में दो फंक्शन है, समाकलन बाहर है तो दोनों का अलग अलग समाकलन कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा i = समाकलन 1/2 e की पावर x sec² x / 2 × dx, फिर प्लस समाकलन e की पावर x
टेन एक्स बटे दो इंटू डी एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को अलग समाकलन रखो, इसको आप खंड से, यानी दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, एक बटे दो को हम बाहर मान लेंगे, तो इसमें कौन सा फंक्शन, जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं और उनका आपको समाकलन करना है तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन जो करते हैं दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन, फिर ब्रैकेट, पहले का अवकलन यानी कि पहले फंक्शन का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन और फिर टोटल का समाकलन, ये सूत्र होता है। सेम हम एक बट्टे दो को तो हम बाहर निकाल लेंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा सा, ठीक है। चलिएगा, अब हमारे पास में क्या है, ये पहला फंक्शन जो कहते हो, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का समाकलन, यानी कि सेक स्क्वेयर एक्स बट्टे दो इंटू डी एक्स, यानी कि इस दूसरे वाले फंक्शन का समाकलन, फिर माइनस, फिर आपका समाकलन का साइन, फिर उसके बाद में एक ब्रैकेट, यहां पर मैं ब्रैकेट इस तरीके का लगा दे रहा हूं, तो बड़ा ब्रैकेट मैं यहां पर लगा चुका हूं, तो पहले का अवकलन d अपॉन dx e की पावर x इंटू, और फिर दूसरे का समाकलन, समाकलन sec स्क्वायर x बटे 2 और साथ में dx, ये आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट और फिर dx, ये अब ये हो चुका है पूरा लगा दिया, और ये वाला ब्रैकेट में फिर से बंद कर दे रहा हूं, यानी कि ये इतने का समाकलन ये हो गया पूरा। अब इस वाले की कोई छेड़खानी मत करो, इसको जो का त्यों रख दो, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है, इसको ये यहां से मैंने मिटा दिया है, और ये वाला जो है आपका प्लस समाकलन e की पावर x tan x बटे दो इंटू डी एक्स, इसको आप जो का त्यों रखिए। अभी चलिएगा करते हैं, अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू ये एक बट्टे दो जो का त्यों रहेगा ब्रैकेट e की पावर x जो का त्यों है और फिर इंटू इंटू, देखिए समाकलन यदि sec स्क्वायर थीटा होता है तो उसका क्या होता है tan थीटा होता है, लेकिन यदि यहां पर कुछ है, ठीक है, यदि यहां पर कुछ है तो हम यहां पर यदि sec स्क्वायर x होता तो उसका समाकलन डायरेक्टली tan x हो जाता, क्योंकि यहां पर sec स्क्वायर x की जगह पर क्या दे रखा है x बट्टे 2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यदि ये x होता तो इसका हो जाता tan x, x की जगह पर क्या है x बट्टे 2 है, ठीक है, जो x की जगह पर होता है उसका 1 अपॉन करके इस वाली चीज का यहां पर अवकलन करके रख देंगे, यहां पर अवकलन करके रख देंगे, तो इसका जब अवकलन करेंगे x बट्टे 2 का जब हम अवकलन करेंगे तो 1 बट्टे 2 इंटू x हो जाएगा और x का अवकलन 1 तो 1 बट्टे 2 आ जाएगा, तो ये 1 बट्टे 2 हो जाएगा, समझ में आई, इस वाली चीज का अवकलन कर दिया है यहां पर, ठीक, ऐसे करते हैं, फिर ये आपका ये वाला माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो समाकलन बाहर वाला, अब ये ब्रैकेट के अंदर की बात चलेगी, अंदर की बात चलेगी तो वही चीज e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा और फिर यहां पर इंटू इंटू sec स्क्वायर x का समाकलन वही, यदि ये x होता तो इसका tan x होता, tan x होता क्योंकि ये x की जगह पर x बट्टे 2 है तो इसका अवकलन करके 1 बट्टे में रख देंगे, तो अवकलन करेंगे तो इसका 1 बट्टे 2 आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला इसके साथ में ये dx ये लग रहा है और ये पूरा ब्रैकेट मैंने यहां पे लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ये वाला अंदर के ब्रैकेट की चीज मैंने सॉल्व कर ही दी है, प्लस प्लस ये वाली चीज आएगी, इसको मिटाई दे रहे हैं अब हम, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, प्लस समाकलन e की पावर x tan x बटे 2 इंटू dx ये हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब आपको देखिएगा क्या दिखाई देगा कि ये नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही ये नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 बटे 2 और 1 बटे 2 की भी, इस वाले 1 बटे 2 की भी मल्टीप्लाई कर दो, जब हम पहले, चलो एक काम करो, पहले e की पावर x इंटू tan x बटे 2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा ऐसे, माइनस ये e की पावर x इंटू tan x बटे 2 हो जाएगा इंटू इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा साथ में dx, फिर ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये प्लस समाकलन e की पावर x tan x बटे 2 इंटू dx। यहां तक कोई समस्या, यहां तक देखते रहिए, हर चीज को देखिएगा, ये चीज जो का त्यों रख दी है,
इस दो को मैंने ऊपर पहुंचा दिया, ये ऐसा हो गया और ये आपको पता ही चल गया किस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक बट्टे दो की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई इज इक्वल टू एक बट्टे दो इंटू ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स बट्टे दो इंटू टू, ऐसा हो जाएगा। फिर माइनस एक बट्टे दो इसके भी बाहर है तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, समाकलन एक बट्टे दो मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स बट्टे दो मल्टीप्लाई टू, और साथ में आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब ये ब्रैकेट का काम खत्म क्योंकि ये आ गया। फिर ये प्लस समाकलन ई की पावर एक्स टेन एक्स बट्टे दो इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई देगा इस दो से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस दो से ये कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर e की पावर x इंटू टेन एक्स बट्टे दो इतना बचेगा। फिर माइनस ये हो जाएगा e की पावर x इंटू टेन एक्स बट्टे दो हो जाएगा, साथ में ये dx आ जाएगा, प्लस e की पावर x टेन ये एक्स बट्टे दो इंटू डी एक्स है। अब जरा देखो ध्यान से, ये जो चल रहा था e की पावर x टेन एक्स बट्टे दो, e की पावर x टेन एक्स बट्टे दो, ये साथ में चल रहा था e की पावर x टेन एक्स बट्टे दो, यानी ये प्लस का है, और यही चीज माइनस की आ गई। देख लीजिए ध्यान से कि ये वाली चीज यहाँ पर माइनस की है और ये वाली चीज यहाँ पर प्लस की है, तो कोई चीज माइनस का एक्स और प्लस का एक्स होता है तो ये आपस में कट जाते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर इस पूरे से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और टेन एक्स बट्टे दो बचेगा इतना, और इसमें आप यहाँ पर प्लस सी लगा देंगे, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, e की पावर x tan x बट्टे दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार एकदम लाजवाब लल्लन टॉप सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया, फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जल्दी से इस सवाल को कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। 28वां सवाल देखिए, बेहद ही आसान लग रहा है लेकिन है इंपॉर्टेंट सवाल, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, कैसे अब इसका हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं अवकलन, तो पहले हम क्या करेंगे इस वाली चीज को ही थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर तीन दे रखा है, इसको थोड़ा सा आंशिक भिन्नों से सॉल्व करते हैं हम, पहले इसको थोड़ा सा फैक्टर करो पहले इसके, ये वन प्लस एक्स है, अब इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे वन प्लस एक्स बचेगा। भाई इसमें से मैं एक्स स्क्वायर यदि कॉमन ले लूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गया तो यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गया तो यहाँ पे एक्स बचा, ये देखिएगा। अब ये चीज यहाँ पर सेम सेम है, वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स, तो यहाँ पर से मैं वन प्लस एक्स यदि कॉमन ले लूं तो वन प्लस एक्स गया तो यहाँ पे क्या वन बचेगा, और यहाँ से वन प्लस गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि वन अपॉन वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर तीन की जो वैल्यू है वो इतनी आ गई। ठीक है, इतने का मान इतना हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर, तो हम लिख देंगे आंशिक, ठीक है, क्या करेंगे हम, अरे आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, ध्यान से समझेंगे हम इसको, वन अपॉन वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यदि ये वन प्लस एक्स यहाँ पे वन माइनस एक्स या वन प्लस एक्स ही होता डायरेक्टली तोड़ देते ए अपॉन इतना ब्रैकेट और बी अपॉन इतना ब्रैकेट, क्योंकि ये द्विघात में दे रखा है अगला वाला, तो हम इसको तोड़ेंगे ए अपॉन वन प्लस एक्स, फिर बीच में प्लस, फिर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा यदि यहां पर स्क्वायर नहीं होता तो यहां पर केवल बी लगाते, जैसे ए अपॉन इतना तो यहां पर बी अपॉन करते, क्योंकि यहां पर वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी ये एक घात ये द्विघात में है तो यहां पर वही लेंगे बी एक्स प्लस सी इस तरीके से लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, यदि यहां पर तीन घात होती तो फिर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप को लेते, यानी ऊपर वाला नीचे वाले से एक घात कम का लेते हैं। ठीक है, चलिएगा यहां से समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हमको ये वाली चीज सॉल्व करनी है, तो ये चीज कैसे सॉल्व होती है देखिएगा, आपको वैसे ही पता है कि वन अपॉन वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, नीचे यदि मैं वन प्लस एक्स
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि मैं एलसीएम ले लूं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यानी a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये है बी एक्स प्लस सी है और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी a प्लस एक्स की, ठीक है। अब आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी, नीचे वाले दोनों ब्रैकेटों से नीचे वाले दोनों ब्रैकेट कट जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू ये बचेगा आपका a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और मल्टीप्लाई ये बचेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये चीज बची अब आपकी। अब यहां पर आपको अपने दिमाग को ऐसे मेमोराइज कराओ, अपने दिमाग को ये बताओ कि आपको एक बार ये वाला टर्म जीरो करना है और एक बार ये वाला टर्म जीरो करना है, तो ये कैसे हो सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बताओ। तो यहां पर देखिएगा, यदि मैं एक्स की जगह पर माइनस का वन रख दूं तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, जब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो अपनी ओर से मानने होते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर माइनस का वन, ठीक है, ये हम रख देंगे, ठीक है, रखने पर जब हम इस पर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो वन इज इक्वल टू ए और वन प्लस ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ये पूरा टर्म जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस का वन रखूंगा तो वन माइनस वन जीरो और जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरा जीरो, तो ये आपका हो जाएगा वन बराबर ए इंटू वन का स्क्वायर वन और वन और वन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो यदि मैं ए की वैल्यू निकालूंगा दो इसके नीचे आ जाएगा तो एक बट्टे दो, ए का मान निकल आया आपका एक बट्टे दो, ए का मान निकल आया, इसको समीकरण एक मान लो ताकि आपको आगे आसानी रहेगी, ठीक है, चलिएगा ओके ये आ गया। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पर ए का मान निकल आया, ओके अब हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, यदि मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर, अब देखिए यहाँ पर दो चर है, ए का मान निकल आया और बी का मान निकालना है और सी का मान निकालना है, एक बार बी वाले टर्म को यानी इसको जीरो कर दूं मैं तो एक्स की जगह पर ऐसा कोई भी मान नहीं है जो बी जीरो हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि यदि एक्स का मान जीरो हो तो ये बी मान जीरो हो जाएगा। तो चलो करते हैं, अब की बार रखेंगे एक्स बराबर जीरो रखने पर, एक बार एक्स बराबर जीरो रखेंगे, अपनी ओर से करने होते हैं ये सारी वैल्यू, ठीक है, चलिएगा। तो वन बराबर यदि मैं यहां पर जीरो रखूंगा तो यहां पर वन बचेगा तो ये कितना हो जाएगा ए इंटू वन बचेगा केवल, फिर प्लस ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, बी इंटू जीरो पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहां पर केवल सी बचेगा इंटू, और यहाँ पर ये x जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर केवल वन बचेगा ऐसे, तो यानी कि वन बराबर, और a का मान आपको पता है कितना है एक बट्टे दो है, एक बट्टे दो बचेगा, वन की मल्टीप्लाई करो या मत करो, ये प्लस c हो जाएगा, c की मल्टीप्लाई वन में करेंगे, एक बट्टे दो को इधर ले आएंगे तो वन माइनस एक बट्टे दो बराबर c, या c बराबर एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा यानी कि एक बट्टे दो, तो कितना हो गया भाई वन में से एक बट्टे दो जाएगा तो एक बट्टे दो ही बचेगा, तो सी का मान आ गया एक बट्टे दो, सी का मान भी निकल आया। अब सिर्फ और सिर्फ बी वाले की वैल्यू निकालनी है, बी वाले की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ पर एक्स बराबर वन रख दू, एक्स बराबर वन रख दू तो ये पूरा वन प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर बी की वैल्यू तो अपने आप में आ ही जाएगी और सी की वैल्यू ये है, तो ये अपनी ओर से रखने होते हैं, इसका कोई भी सूत्र नहीं है कि ये कैसे करा, अपना दिमाग को लगाना होता है आंशिक गुणों। x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a 1 प्लस 1 हो जाएगा, x की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू 1 प्लस c हो जाएगा, और फिर इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 ये हो जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो a इंटू 2 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस c इंटू 2 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर c और a का मान आपके पास में हैगा, ये मान रख दीजिएगा, तो 1 इज इक्वल टू a का मान 1 बट्टे 2 इंटू ये 2 हो जाएगा प्लस ये है आपका b प्लस c का मान कितना आया 1, एक बट्टे दो, सी का मान भी एक बट्टे दो ही आया है, एक बट्टे दो हो जाएगा इंटू ये दो है, ठीक है, इस दो से ये दो कट जाएगा तो वन इज इक्वल टू यहाँ पर वन बचेगा प्लस इंदर मल्टीप्लाई दो की करेंगे तो कितना हो जाएगा ये टू बी प्लस एक बट्टे दो इंटू टू हो जाएगा,
दो की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, अब इस दो से ये दो कट जाएगा, तो यहाँ पे वन इजिकल टू वन प्लस टू बी प्लस यहाँ पे कितना वन बचेगा, ठीक है, वन और वन टू हो जाएंगे, तो वन इजिकल टू टू प्लस टू बी हो जाएगा, टू को इधर ले जाएंगे, वन माइनस टू इजिकल टू टू बी हो जाएगा, एक में से दो जाएगा तो माइनस का वन बचाएगा, ये टू बी हो जाएगा, और बी का मान, या बी का मान कितना हो जाएगा, दो नीचे आ जाएगा, माइनस एक बटे दो, तो बी का मान ये निकल आएगा। अब आपको सारी वैल्यू आपको पता चल गई कि भैया ये वाला बी का मान इतना, ए का मान इतना और सी का मान इतना। अब इन ए बी सी की जो वैल्यू है आप इस वाले समीकरण में रखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है इसके बराबर है, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर ए और बी की मान रख देंगे। तो आप चाहो तो इसको समीकरण दो मान लो और इसको समीकरण एक मान लो, आपकी इच्छा है, जैसा आपका मन करे। तो अब हम इस समीकरण एक में रख देंगे ये वैल्यू, ठीक है। चलिएगा जल्दी पहले यहां तक कर लीजिएगा, यहां से मैं लिख दे रहा हूं कि ए की वैल्यू कितनी एक बटे दो, सी की वैल्यू कितनी एक बटे दो, और बी की वैल्यू कितनी माइनस एक बटे दो, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता चल गई, जल्दी से यहां तक कर लीजिए, यहां से आगे फिर मैं आपको बताता हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको क्या है कि इसकी जो वैल्यू है यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो a अपॉन 1 प्लस एक्स थी, और a की वैल्यू कितनी है एक बट्टे दो अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, फिर प्लस ये बी एक्स प्लस सी थी, b की वैल्यू कितनी है माइनस एक बट्टे दो एक्स प्लस, और ये भी एक बट्टे दो हो जाएगी c की वैल्यू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, एक बट्टे दो ऊपर, एक बट्टे दो ऊपर, एक बट्टे दो ऊपर, तो तीनों में से मैं ऊपर से एक बट्टे दो कॉमन ले लूंगा, यहां पे बचेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स, अब यहां से यदि मैं एक बट्टे दो कॉमन ले लूंगा प्लस, तो ये बचेगा माइनस का एक्स प्लस का वन बचेगा अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। बात समझ रहे हो यहां पर, नहीं समझ रहे हो, देखिएगा ये चीज ध्यान से समझो जरा, एक बट्टे दो चला गया तो यहाँ पे माइनस का एक्स बचेगा, प्लस एक बट्टे दो चला गया तो प्लस का वन, तो एक बट्टे दो सभी में से मैंने बाहर निकाल दिया, तो इतने की वैल्यू ये आ गई वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। हमको इस चीज का समाकलन करना था तो इसका मान ये हुआ और ये हुआ, इसका मान ये हुआ और इसकी वैल्यू ये हुई, तो अतः अब लिख देंगे अतः I इजिकल टू समाकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर तीन dx, ये, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी ये, इसकी वैल्यू कितनी आई थी ये वाली आई थी वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये इसकी वैल्यू ये होगी। अब इस टाइप का यदि आपको कोई और भी सवाल मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, इसको हमने किसने बदल दिया, इसको हमने इस तरीके से बदल दिया कि एक बट्टे दो ब्रैकेट वन अपॉन वन प्लस एक्स और प्लस, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे रहा हूं, इसको वन माइनस एक्स, वन को आगे और एक्स को पीछे लिख दे रहा हूं, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, इतना साथ में डी एक्स आ गया, ठीक है। एक बट्टे दो में आपका सबसे बाहर निकाल ले रहा हूं समाकलन, और ये ब्रैकेट वन अपॉन वन प्लस एक्स और प्लस, इसमें भी अभी और कारस्तानी होगी, इसमें ये वन है तो इसको अलग अलग कर दो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको मैंने इस वन के नीचे ले लिया, फिर बीच में माइनस लगाया, और ये एक्स बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया ये पूरा, ठीक है। ये वन के नीचे हमने अलग ले लिया और माइनस एक्स के नीचे अलग ले लिया, क्योंकि यहां से यदि मैं एलसीएम लूंगा तो बात वही आ जाएगी, तो ये आ गया। अब आपको इन एक दो तीन इनका अलग अलग समाकलन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बट्टे दो सबसे बाहर रखिएगा, ठीक है। अब अलग अलग समाकलन करेंगे, समाकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस समाकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर माइनस समाकलन एक्स बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ब्रैकेट और ये डी एक्स, ये सॉरी ब्रैकेट
ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि dx के अंदर मल्टीप्लाई कर दी और इस समाकलन की कर दी मैंने अंदर, एक बटे दो सभी के बाहर है इसलिए मैंने ये अलग कर दिया। चाहता तो मैं एक बटे दो सभी के साथ भी लगा सकता था, जो आगे लगाऊंगा मैं। अभी फिलहाल यहां तक समझ में आया। अब यहाँ के बाद में ये डायरेक्टली आपके सभी के सूत्र होते हैं। सभी के सूत्र कैसे होते हैं पहले चला समझो। यदि ऊपर नीचे कोई ऐसी संख्या दे रखी है जिसका अवकलन यदि ऊपर दे रखा है तो हम उसको लॉग में रख देते हैं। जैसे यदि कोई पहले यहां तक समझिए, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। देखिए यदि कोई फंक्शन इस तरह का है, देखिए मैं आपको बता दूं, यदि कोई फंक्शन इस तरीके का है, नीचे एफ एक्स है और ऊपर आपका एफ डैश एक्स दे रखा है और इसका आपको समाकलन करना है, तो इसका डायरेक्टली हो जाता है लॉग एफ एक्स। क्या हो जाता है? लॉग एफ एक्स। जैसे नीचे यदि आपका दे रखा है 2x² और ऊपर आपका दे रखा है 4x, तो देखिएगा इसका जो समाकलन है डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लॉग 2x² हो जाएगा प्लस सी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसका अवकलन करो भाई, इसका 2 × 4 4x हो जाएगा। तो नीचे जो फंक्शन दे रखा है उसका यदि अवकलन ऊपर दे रखा है तो सिर्फ लॉग लगाना है और ये लग देना है। तो जरा देखो ये वाला जो चीज है आपका 1 + x, यदि नीचे वाले का अवकलन करूं, 1 का अवकलन 0, x का अवकलन 1 जो कि ऊपर दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, log 1 + x हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये क्या दे रखा है, इसका क्या करेंगे हम, इसका अलग, ये 1 + x² tan inverse x का डायरेक्टली फॉर्मूला है, tan inverse x का होता है 1/1 + x² और इसका देखिएगा यदि यहां पर 2 आ जाए तो इसका 1 का अवकलन 0 और x² का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो हमको यदि यहाँ पर 2 आ जाए तो काम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई और 2 का भाग कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो पहले यहां तक कर लीजिए, यहां तक करने के बाद फिर आगे मैं बताता हूँ आपको, आपको करना क्या है। देखिएगा i = 1/2 सबसे बाहर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका समाकलन डायरेक्टली हो जाएगा log 1 + x हो जाएगा, फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा, 1 + 1/1 + x² tan inverse x हो जाएगा, tan inverse x हो जाएगा, फिर ये माइनस है माइनस। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यदि यहां पर 2 आ जाए तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 की गुणा और ऊपर मैंने क्या करा, 2 का भाग कर दिया और नीचे 1 + x² dr। बात को समझो, मैंने क्या करा, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करी, नीचे 2 का भाग। 1/2 कहां से आया, कहीं से नहीं आया, ऊपर यहां पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी, यहां पे 2 का भाग, 2 से 2 कट जाएगा, बात तो वही रहेगी। मैंने यहां पे 2 की मल्टीप्लाई करी और यहां पे 1/2 लगा दिया, बात तो वही है, तो वही चीज है यहां पर, ठीक है। तो i = 1/2 log 1 + x + tan inverse x - 1/2, इसका क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाले फंक्शन का अवकलन ऊपर है तो डायरेक्टली log 1 + x² हो जाएगा और प्लस सी लगा देंगे, ठीक है, प्लस सी लगा देंगे और ये ब्रैकेट केवल यहां तक लगेगा क्योंकि 1/2 इस वाली संख्या के बाहर है। अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 log 1 + x, फिर प्लस 1/2 tan inverse x और यहां पर 1/2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4 log 1 + x². अरे प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका उत्तर आ चुका है ना, एकदम कमाल का और इंपॉर्टेंट सवाल। इस तरीके कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, बस आंशिक भिन्नों का कॉन्सेप्ट आपको, मैंने आंशिक भिन्नों के बारे में मैंने पहले ही कई सारी वीडियो बना दी है, मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आंशिक भिन्नों का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिएगा इसको कर लीजिएगा, 28 हो गया, आप सवाल करेंगे 29, बहुत ही शानदार सवाल है इसको। सवाल नंबर 29, i = (x+1)√(x²+1)dx। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा इसमें वो करना है, x अलग अलग कर देंगे हम इसको, x√(x²+1) फिर +1/√(x²+1) और ब्रैकेट लगाएंगे (dx)। ये अलग अलग कर दिया मैंने, x के अपॉन में, ये 1/2 में, अलग अलग समाकलन कर देंगे इसको, समाकलन (x√(x²+1)dx)+(1/√(x²+1)dx)। ये डायरेक्टली, ये तो x² + a² डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा,
और इसका तो समाकलन डायरेक्टली है, क्या है इसका समाकलन, यदि हम इसकी बात करें तो इसका समाकलन हो जाएगा log और x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा, इस वाली चीज का तो डायरेक्टली समाकलन हो गया। अब इसका क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ये एक्स स्क्वायर है तो जो भी अंडर रूट में उसको टी मान लो, तो इसको अलग छोड़ो पहले, इसके लिए कर ले रहे, माना ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर ये मैंने टी मान लिया, ओके। इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे टू एक्स हो जाएगा, साथ इसका वन वन का जीरो हो जाएगा, साथ में डी एक्स आ जाएगा, इधर डी टी हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी बट्टे टू एक्स, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी बट्टे टू एक्स, ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो आई इज इक्वल टू समाकलन ये है एक्स अपॉन अंडर रूट टी हो जाएगा, साथ में डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा डी टी बट्टे टू एक्स, फिर प्लस, और इसका तो डायरेक्टली देखिए यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट इसको हमने t माना तो ये t हो गया, dx की वैल्यू dt बटे 2x हो गया प्लस, और इसका तो डायरेक्टली समाकलन क्या है log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया, और प्लस c लगा दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, x से ये x कट जाएगा, एक बटे दो में बाहर ले लूंगा, समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट t साथ में dt आ जाएगा, प्लस ये आपका log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे डायरेक्टली तो देखिएगा t का पावर 1 बटे 2 है, 1 बटे 2 को ऊपर ले जाएंगे, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट t का मतलब 1 अपॉन t की पावर 1 बटे 2 और 1 बटे 2 को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, और इसका यदि हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 और नीचे माइनस 1 बटे 2 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 बटे 2 गया तो 1 बटे 2 बचेगा, t की पावर 1 बटे 2 और नीचे भी 1 बटे 2 आ जाएगा, तो डायरेक्टली 1 अपॉन अंडर रूट t का यदि हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है t की पावर 1 बटे 2 और नीचे भी 1 बटे 2 आता है, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और लॉग और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, बात समझ रहे हो ना, अंडर रूट का मतलब 1 बटे 2, 1 बटे 2 को ले जाएंगे ये, और x की पावर n का समाकलन n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो n यानी माइनस का 1 बटे 2 प्लस 1 माइनस के 1 बटे 2 प्लस 1, 1 में से 1 बटे 2 जाएगा तो 1 बटे 2 बचेगा नीचे ये आ जाएगा, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये 1 बटे 2 इंटू ये वाली जो चीज होती है इसको हम ऊपर लिख देते हैं उल्टा करके, यानी 2 बटे 1 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा टी, और इसका 1 बटे 2 का मतलब अंडर रूट प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी ये हो जाएगा, ठीक है चलिएगा, अब आपको ये क्या हो जाएगा 2 से ये 2 कट जाएगा और टी का मान रख देंगे, यहाँ पर ये टी का मान रखने पर टी का मान रख देंगे तो आई इज इक्वल टू टी बराबर क्या था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, ये आपका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही शानदार सवाल है, जल्दी से कर लीजिए। फिर आगे 30वां सवाल कराते हैं, 30वां सवाल आपका जानदार शानदार सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, जल्दी से पहले यहां तक करिए, 30वां सवाल कराएंगे।